हेलो एवरीवन, मैं प्रवेश मान आपके अपने यूट्यूब चैनल ओयू क्लास पर आप सबका स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम जानेंगे इग्नू के जो लेटेस्ट 3 नोटिफिकेशन आए हैं रिगार्डिंग आपका जो री रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है जुलाई 2022 सेशन का, और आपका जो न्यू एडमिशन है जुलाई 2022 सेशन का, और जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन है जिन जिन बच्चों ने ऑनलाइन में एडमिशन लिया था जो इग्नू के ऑनलाइन कोर्सेज हैं उनका एग्ज़ाम फॉर्म भी आउट हो गया है। तो इन 3 नोटिफिकेशन के बारे में मैं आज की वीडियो में आपको अच्छे से बता दूंगा, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओयू क्लास पर आपको हर तरह की वीडियोज़ मिलती हैं, हम इग्नू से रिलेटेड सारी वीडियोस बनाते हैं जिसमें आपको इग्नू से रिलेटेड सारी चीज़ों को हम बहुत अच्छे से समझा देते हैं, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें ताकि आप सब लोग इस जानकारी को प्राप्त कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इग्नू के जो 3 इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन अभी लेटेस्ट आए हैं उनके बारे में हम आपको आज की वीडियो में बताएंगे। सबसे पहले हम एडमिशन के रिगार्डिंग आपको बताते हैं कि इग्नू में जो एडमिशन अभी चल रहे हैं जुलाई 2022 सेशन के एडमिशन चल रहे हैं। कौन से? जुलाई 2022 सेशन के अभी एडमिशन चल रहे हैं, ठीक है। ओडीएल और ऑनलाइन दोनों कोर्सेज में आपके एडमिशन अभी चल रहे हैं, जिसकी लास्ट डेट को बढ़ा दिया गया है, एक्सटेंड कर दिया गया है 9th of September। यानी कि आप अब किसी को अगर फ्रेश एडमिशन लेना है तो वो ले सकता है जिसकी लास्ट डेट क्या है, 9th September। किसी को कोई भी प्रॉब्लम है, हम इग्नू के सभी बच्चों को पर्सनल गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं, वो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जिसके लिए हम बहुत मिनिमम रीजनेबल फीस चार्ज करते हैं, ठीक है। तो ये आपका था इग्नू का जो आपका एडमिशन से रिलेटेड था। अब हम डिस्कस करेंगे जो इग्नू ने अभी री रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस आपको बता रहा है कि जुलाई 2022 सेशन के लिए जितने भी बच्चे हैं उन सब के अभी क्या होगा, री रजिस्ट्रेशन भी ओपन है, जिसकी लास्ट डेट क्या थी, 25 अगस्त, लेकिन उसको बढ़ाकर 9th of September कर दिया गया है। तो 2 मेन आपके नोटिफिकेशन क्या है, पहला आपका एडमिशन का और दूसरा री रजिस्ट्रेशन का, दोनों की डेट को बढ़ाकर क्या कर दिया गया है, 9th of September। तो किसी को किसी प्रकार की कोई टेंशन होनी नहीं चाहिए। किसी ने अगर अभी तक अपना एडमिशन री रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो करा ले, और फ्रेश एडमिशन लेना है तो फ्रेश एडमिशन भी करा सकता है। आप जैसे कि आप देख रहे हैं री रजिस्ट्रेशन की जो विंडो है, ये आपकी री रजिस्ट्रेशन की विंडो है जिसमें आपका सारी चीज़ें इसमें आपको बता देंगे कि आपका री रजिस्ट्रेशन कौन से सेशन का है, जुलाई 2022 सेशन का, लास्ट डेट 9th of September। और आप इसको स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको नीचे दिख जाएगा, जब आप प्रोसीड टू री रजिस्ट्रेशन करोगे तो आपके सामने विंडो ओपन हो जाएगी, जहां पर आप अपना एनरोलमेंट नंबर और पासवर्ड डालकर अपना री रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो हमसे डिस्कस कर सकता है, ठीक है। हम इग्नू के सभी बच्चों को गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। ये आपका था री रजिस्ट्रेशन का। अब हम बात करते हैं एग्ज़ामिनेशन फॉर्म। जी हाँ, एग्ज़ामिनेशन फॉर्म जो आपके इग्नू के ऑनलाइन के बच्चे हैं उनको एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करने की डेट आ गई है, लेकिन ध्यान रहे जो ये एग्जामिनेशन फॉर्म निकले हैं ये कौन से फॉर्म निकले हैं, दिसंबर 2021 जिनके एग्ज़ाम होने हैं, यानी कि उनका सेशन जुलाई 2021 जो कि सेमेस्टर वाला हो, या फिर जनवरी 2020 जो कि एनुअल मोड का हो, ये 2 ही बच्चे अपना ये एग्ज़ाम फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है। दिसंबर 2021 एग्जामिनेशन है ये, ध्यान रहे। किन बच्चों के लिए है, जो बच्चे ऑनलाइन प्रोग्राम के हैं सिर्फ उनके लिए, तो बाकी किसी बच्चों के लिए नहीं है। इसमें क्लियरली बता दिया है कि आपके MCQ होंगे और कुछ सब्जेक्टिव भी होंगे, ठीक है। तो किस किस के होंगे, क्या होगा, कैसे होगा, इसकी हम डिटेल वीडियो एक बताएंगे जिसमें आपको ये बता देंगे कि डिटेल आपका इसमें किसके कैसे एग्ज़ाम होंगे। तो किसी को कोई प्रकार की टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं, और इसकी आप जो फीस है वो फीस इसकी 200 रुपये पर कोर्सेज ही है, जैसे आपकी नॉर्मल फीस जो होती है, ठीक है। तो ये आपका था एग्ज़ाम फॉर्म के बारे में, ठीक है। मैंने आपको सारे नोटिफिकेशन अच्छे से बता दिए हैं जो अभी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आए हैं, ठीक है, आपका री रजिस्ट्रेशन का और आपका
एडमिशन का, ठीक है, और आपका एग्ज़ाम फॉर्म किसका निकला है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और सारी चीज़ें समझ में आई होगी। फिर भी आप किसी को कोई दिक्कत है तो वो हमारे यूट्यूब चैनल पर कमेंट कर सकता है या हमसे पर्सनल गाइडेंस ले सकता है। बाय बाय, टेक केयर।